नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल ई सर्विसेज में। आज की वीडियो में यहाँ पे बात करेंगे, पेटीएम ने भी यहाँ पे टोकनाइजेशन सिस्टम यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे टोकनाइजेशन सिस्टम लॉन्च किया तो उसे कैसे यहाँ पे सेटअप करेंगे, क्या प्रोसेस है, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जो देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए हैं, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो मैं डेली अपलोड करते रहता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे फ़ोनपे मिला है, फ़ोनपे के बाद यहाँ पे क्रेडिट में भी देखने को मिला है, यहाँ पे कैशबैक ऑफर भी मिला है क्रेडिट पे, जो कि आप सिक्योर करते हैं अपने कार्ड को। यहाँ पे 100 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर या अप टू 1000 का यहाँ पे कैशबैक मिल रहा है। तो लेटेस्ट है, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, कैसे यहाँ पे आपको करना है, उसे सिक्योर करना है, सारा कुछ यहाँ पे मैं बता दिया हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे देखिए RBI ने यहाँ पे गाइडलाइंस दिया था कि जितने भी यहाँ पे कंपनी से पेमेंट एक्सेप्ट कर रही हैं, ऑनलाइन या पेमेंट दे रही हैं, जो भी यहाँ पे सिस्टम है, जो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, जितने भी कार्ड्स हैं, अगर आप उससे पेमेंट कर रहे हैं कहीं भी, मतलब A to Z सर्विस कहीं भी आप पेमेंट कर रहे हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मूवी क्यू, कहीं भी आप करते हैं पेमेंट, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, जब आप पेमेंट करते हैं तो उसमें 16 डिजिट का नंबर डालते हैं, कार्ड का नंबर डालते हैं, क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड जो भी है वो आपके पास कार्ड, उसका नंबर डालते हैं, CVV नंबर और एक्सपायरी डेट वगैरह यहाँ पर डालते हैं। तो क्या होता है कि वो डालने के बाद हमें क्या होता है, यहाँ पर सिक्योर नहीं होता था। सिक्योर के लिए यहाँ पर किया गया, सिक्योर के लिए बहुत से यहाँ पर ट्राई किए गए RBI ने यहाँ पे, लेकिन फिर भी यहाँ पे सिक्योर नहीं था, क्योंकि यहाँ पे डेटा लीक होने के बाद क्या रहता था, जितने भी हमारे यहाँ पे कार्ड के नंबर्स वगैरह हुए वो भी साथ में यहाँ पे लीक हो जाता था। ठीक है, लेकिन अभी RBI ने ये गाइडलाइंस दिया, टोकनाइजेशन सिस्टम यहाँ पे लाया, उसमें क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे टोकनाइजेशन सिस्टम में होता है, अगर आप यहाँ पे कहीं भी पेमेंट करते हैं, मान लीजिए पेटीएम में ही करते हैं, तो पेटीएम में यहाँ पे आप मान लीजिए कार्ड नंबर एड मनी कर रहे हैं, ठीक है, एड मनी कर रहे हैं, तो यहाँ पे कार्ड नंबर वगैरह आप इंटर करते हैं, कार्ड नंबर डालते हैं और यहाँ पे CVV नंबर डालते हैं, डेट ऑफ एक्सपायरी जो भी यहाँ पे डालते हैं, ठीक है, तो एड मनी करते हैं। एड मनी करने के बाद क्या होता है, जितने भी आप यहाँ पे कार्ड डिटेल डाले हैं, जो भी ये डाले हैं, मतलब ये यहाँ पे आपको ना कंपनी को देना पड़ता है ना किसी को, यहाँ पे आपका यहाँ पे टोकन, एक टोकन जनरेट हो जाता है, ठीक है ना, आपको वहाँ पे शो होगा, कार्ड नंबर भी शो नहीं होता है, बस यहाँ पे एक टोकन जनरेट हो जाता है। वो टोकन से क्या होता है कि यहाँ पे जब भी आप पेमेंट करने जाएंगे तो आपको यहाँ पे दोबारा से तो एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे जो कंपनी में आप पेमेंट कर रहे हैं, कार्ड एंटर कर रहे हैं, कार्ड नंबर वगैरह एंटर कर रहे हैं, उसको कोई भी यहाँ पे आपका डिटेल्स नहीं जाएगा, बस एक टोकन रहेगा, वो टोकन से ही आपको हमेशा उसमें पेमेंट करना रहेगा, और ना आपको पता चलेगा ना हमको पता चलेगा, किसी को यहाँ पे पता नहीं चला, बस यहाँ पे बैंक जनरेट करती है अपने यहाँ पे कस्टमर को सिक्योर मतलब करने के लिए कोई भी डेटा वगैरह लीक ना हो। तो यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे सभी ने यहाँ पे शुरू किया है, अब देखिए जितने भी एप्लीकेशंस है वो सभी का वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो पेटीएम ने भी यहाँ पे लॉन्च किया, तो उसमें क्या है, कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इजी प्रोसेस है, ऐसा कोई करना नहीं है, आपका अगर पुराना कार्ड है यहाँ पे, पहले से ही आप यहाँ पे ऐड किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे कार्ड को आप डिलीट कर दीजिए। कार्ड को डिलीट करने के बाद आप पे कुछ एड मनी कर लीजिए या कहीं भी आप पेमेंट करिए, यहाँ पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए कार्ड नंबर वगैरह डिटेल वगैरह सेम एंटर कर दीजिए, CVV वगैरह एंटर करने का। जब भी आप पेमेंट प्रोसेस में आएंगे, तो आपको वहाँ पे OTP एंटर कर देना है। OTP एंटर कर, एक बात याद रखना कि ऑनलाइन यहाँ पे आपका चालू रहे, जो ऑनलाइन सर्विसेज है इसका वो चालू रहे आपके कार्ड का, फिर उसके बाद यहाँ पे OTP आएगा, OTP एंटर कर देना। OTP एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे एक मैसेज आएगा, एक पॉपअप मैसेज आएगा आपको आपके पेटीएम एप्लीकेशन में, यहाँ पे देखिए दिया गया सिक्योर योर सेव कार्ड विथ वीज़ा, मतलब जो भी आपका कार्ड रहेगा, मास्टर कार्ड रहे, वीज़ा कार्ड रहे, जो भी रुपए कार्ड रहे, जो भी आपका कार्ड रहेगा वो दिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया गया है वी नीड योर कंसेंट टू सिक्योर योर कार्ड एज पर RBI लेटेस्ट गाइडलाइंस ऑन सेव कार्ड बिफोर December 31, 2021। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो यहाँ पे कार्ड है उस मतलब जो यहाँ पे सिक्योर करना है, उसके यहाँ पे डेट बताया जा रहा है कि 31 दिसंबर 2021 से पहले ही आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दिखे दिया है योर कार्ड डिटेल्स विल बी मूव टू वीज़ा सिक्योर स्टोरेज। तो यहाँ पे बताया जा रहा है पहले में कि यहाँ पे जो आपका डिटेल्स है, यहाँ पे आपको वीज़ा में यहाँ पे मतलब वीज़ा का जो है सिक्योर यहाँ पे स्टोरेज है उसमें यहाँ पे चले जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं भी आपका डिटेल नहीं जाएगा, ठीक है। सेकेंड में यहाँ पे दिया गया यू विल बी रिक्वायर्ड टू एंटर कंप्लीट कार्ड डिटेल्स फॉर एवरी पेमेंट इफ योर कंसेंट इज नॉट प्रोवाइडेड, मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है अगर आपने यहाँ पे जो यहाँ पे अगर डाउन सिक्योर कार्ड मतलब सिक्योर नहीं किया आपने अपने कार्ड को, तो यहाँ पे आप जब भी पेमेंट करेंगे तो आपको हर बार आपको कार्ड नंबर डिटेल्स वगैरह आपको एंटर करना पड़ेगा, तभी जाके आपका पेमेंट होगा जो भी आप
पेमेंट करेंगे इस कार्ड से उससे होगा। अगर आप सिक्योर करना चाहते हैं सिक्योर माई कार्ड पर क्लिक कर देना, नहीं तो डोंट सिक्योर माई कार्ड पर क्लिक करते हैं तो आपको हमेशा ही आपके कार्ड का नंबर एंटर करना पड़ेगा। तो देखिए पेटीएम में बस इतना ही सही करना है, आपका यहाँ पे कार्ड सिक्योर हो जाएगा। ये बहुत ही ईजी है, जब भी आप पेमेंट करते हैं तब आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना सा प्रोसेस था, आप ज़रूर करिए इसको, क्योंकि यहाँ पे सिक्योर कर लेना चाहिए, नहीं तो फ्रॉड होने से ज़्यादा यहाँ पे चांसेस रहता है। इसलिए फ्रॉड ना हो इसके लिए आप सिक्योर जरूर करें। तो एक छोटा सा वीडियो था, मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल बता दिया कैसे क्या करना है। अगर इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया अपडेट लेके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।